नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है सोमनाथ से इटारसी के रास्ते से जबलपुर तक चलने वाली एक्सप्रेस की। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है शिवा शर्मा ने और राहुल म्यूजिक स्टूडियो ने। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, सोमनाथ से इटारसी के रास्ते से जबलपुर तक चलने वाली एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 11463। अगर इस ट्रेन की हम जर्नी की बात करें तो यह ट्रेन सोमनाथ से जबलपुर तक के टोटल डिस्टेंस 1413 किलोमीटर की यात्रा को कवर करती है 28 घंटे और 50 मिनट में। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका संचालन करती है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। यह ट्रेन दोस्तों हफ्ते में 5 दिन चलने वाली ट्रेन है। यह हर रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार को सोमनाथ से रवाना होती है और हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को जबलपुर में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के 51 स्टॉपेज है और यह एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। अगर इस ट्रेन के कोचेस की हम बात करें तो इस ट्रेन में फर्स्ट एसी का कोच है, जिसका सोमनाथ से जबलपुर तक का किराया है 3,865 रुपए। एसी टू टायर के कोच हैं, जिसका किराया है 2,255 रुपए। एसी थ्री टायर के कोच हैं, जिसका किराया है 1,540 रुपए। स्लीपर क्लास का किराया है 570 रुपए और सामान्य क्लास का किराया है 320 रुपए। दोस्तों, यह किराया सोमनाथ से जबलपुर तक का है और यह कन्फर्म किराया नहीं है। कन्फर्म किराए को जानने के लिए आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर रेलवे के टिकट काउंटर पर विजिट करें। इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग व ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की तो दोस्तों, इस ट्रेन को सोमनाथ से अहमदाबाद तक साबरमती लोको शेड का WDP-4D लोकोमोटिव लेकर जाता है और अहमदाबाद से जबलपुर तक इसे तुगलकाबाद लोको शेड का WAP-7 या फिर इटारसी लोको शेड का WAP-4, इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस ट्रेन के कौन कौन से स्टॉपेज हैं और उन स्टॉपेज पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या है यह जान लेते हैं। दोस्तों, सोमनाथ से जबलपुर तक चलने वाली एक्सप्रेस हर रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार को सोमनाथ रेलवे स्टेशन से सुबह के 9:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। और दोस्तों, सोमनाथ से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है वेरावल जंक्शन। सुबह के 9:40 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद 9:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है मालिया हाटीना सुबह के 10:22 पर और 10:23 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है केशोद सुबह के 10:49 पर और 10:50 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है जूनागढ़ जंक्शन सुबह के 11:24 पर और 11:26 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है जैतलसर जंक्शन सुबह के 11:52 पर और 11:57 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है वीरपुर दोपहर के 12:13 पर और 12:14 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है गोंडल दोपहर के 12:31 पर और 12:32 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है भक्ति नगर दोपहर के 1:44 पर और 1:45 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है राजकोट जंक्शन दोपहर के 1:58 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 2:03 पर यह ट्रेन राजकोट जंक्शन से रवाना हो जाती है। राजकोट तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 190 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है बांकानेर जंक्शन दोपहर के 2:37 पर और 2:42 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है थान दोपहर के 3:09 पर और 3:11 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सुरेंद्र नगर जंक्शन दोपहर के 3:45 पर और 3:50 पर यह ट्रेन सुरेंद्र नगर जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है बीरमगाम जंक्शन शाम के 5:11 पर और 5:13 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है चांदलोडिया
शाम के 5:53 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 5:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है अहमदाबाद जंक्शन। शाम के 6:30 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 20 मिनट रुकने के बाद शाम के 6:50 पर यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से रवाना हो जाती है। और अहमदाबाद तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 436 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। और अहमदाबाद में इस ट्रेन का इंजन भी चेंज होता है, इसमें डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महेमदाबाद खेड़ा रोड शाम के 7:29 पर और 7:31 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नडियाद जंक्शन शाम के 7:45 पर और 7:47 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है आनंद जंक्शन रात के 8:05 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 8:07 पर यह ट्रेन आनंद जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन रात के 8:50 पर और करीबन 15 मिनट रुकने के बाद 9:05 पर यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन से रवाना हो जाती है। वडोदरा तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 535 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और वडोदरा में इस ट्रेन के लोको ब्रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डेरोल रात के 9:50 पर और 9:52 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गोधरा जंक्शन रात के 10:53 पर और 10:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है दाहोद रात के 11:52 पर और 11:54 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मेघनगर रात के 12:17 पर और 12:19 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है रतलाम जंक्शन रात के 1:40 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 1:45 पर यह ट्रेन रतलाम जंक्शन से रवाना हो जाती है। रतलाम तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 796 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खाचरोद रात के 2:07 पर और 2:09 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नागदा जंक्शन रात के 2:32 पर और 2:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उज्जैन जंक्शन रात के 3:40 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद 3:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। उज्जैन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 893 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ताराना रोड दूसरी सुबह 4:15 पर और 4:17 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मक्सी जंक्शन सुबह के 4:54 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 4:56 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बेरछा सुबह के 5:10 पर और 5:12 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है काली सिंध सुबह के 5:24 पर और 5:25 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है अकोडिया सुबह के 5:40 पर और 5:42 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सुजालपुर सुबह के 5:55 पर और 5:57 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है काला पीपल सुबह के 6:10 पर और 6:11 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है पार्वती सुबह के 6:25 पर और 6:26 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सीहोर सुबह के 6:38 पर और 6:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है संत हिरदाराम नगर सुबह के 7:28 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 7:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है भोपाल जंक्शन सुबह के 7:45 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद 7:50 पर यह ट्रेन भोपाल जंक्शन से रवाना हो जाती है। भोपाल तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1076 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है हबीबगंज सुबह के 8:02 पर और 8:04 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है होशंगाबाद सुबह के 9:20 पर और 9:22 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है इटारसी जंक्शन सुबह के 10 बजे यह ट्रेन पहुँचती है इटारसी जंक्शन और करीबन 15 मिनट रुकने के बाद 10:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों इटारसी जंक्शन में इस ट्रेन के लोको ब्रेक
रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सोहागपुर सुबह के 11:04 पर और 11:06 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है पीपरिया सुबह के 11:20 पर और 11:22 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गाडरवारा सुबह के 11:53 पर और 11:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है करेली दोपहर के 12:28 पर और 2 मिनट रुकने के बाद 12:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नरसिंहपुर दोपहर के 12:43 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 12:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है करकबेल दोपहर के 12:57 पर और 12:58 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है श्रीधाम दोपहर के 1:08 पर और 1:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है मदन महल। दोपहर के 2 बजे यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और 2:02 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है जबलपुर जंक्शन। दोपहर के 2:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1413 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। और दोस्तों यह ट्रेन 11565/6 सोमनाथ से जबलपुर वाया बीना तक चलने वाली ट्रेन के साथ अपने रेक भी शेयरिंग करती है। तो दोस्तों ये थी सोमनाथ से जबलपुर तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।